हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें लगता है कि आप सबके लिए बहुत जरूरी है। बुक का नाम है द सोर्स पावर ऑफ हैप्पी थॉट्स, जिसे शर्शी ने लिखा है। विचारों की शक्ति पर आधारित इस बुक की 1 करोड़ से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी है। ये बुक विचार नियम नाम से हिंदी में अवेलेबल है और इसके साथ साथ 11 और लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। शर्शी का वीकेंड मास्टर है। वो कहते हैं, सत्य के सभी रास्तों की शुरुआत अलग अलग तरह से होती है, लेकिन सभी के अंत में एक ही समझ प्राप्त होती है। इसी समझ के प्रचार और प्रसार के लिए उन्होंने तेज ज्ञान फाउंडेशन नामक आध्यात्मिक संस्था की नींव रखी। द सोर्स पावर ऑफ हैप्पी थॉट्स किताब को बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने लॉन्च किया था। इस किताब की एक दो खासियत है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। जैसा मैं बता रहा था कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो यही सोचता हूँ कि जो मैं करने जा रहा हूँ उसके अंदर कोई अच्छी बात है या नहीं। और मैं बहुत किताबें पढ़ता हूँ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मेरे पास खुद कुछ 15 या 20 हज़ार किताबें मेरे पास घर में हैं, और मैंने बहुत सारी सेल्फ हेल्प और सेल्फ रियलाइजेशन की किताबें भी पढ़ी हैं। लेकिन इस किताब की एक यूनिकनेस है। हर किताब यही कहती है कि अच्छा सोचो, अच्छा दिमाग मिलाओ, अच्छे विचारधारा रखो, अच्छी विचारधारा रखो। लेकिन ये किताब के अंदर बताया गया है कि किस तरह वो विचारधारा आपके अंदर उत्पन्न हो सकती है। एंड द सेकेंड यूनिक क्वालिटी ऑफ दिस बुक इज़ कि ये सब कहना बहुत अच्छा है कि अच्छी विचारधारा रखो, लेकिन हमारे अराउंड इतनी नेगेटिविटी रहती है, हम हमेशा बुरे ख्याल इंसान को बहुत जल्दी आ जाते हैं। बट ये किताब के अंदर ये भी बताया गया है कि कैसे वो सेंटर को, वो सोर्स को टैप करके हम बुरे ख्यालातों से बचें। मैं इस किताब में से 2 पंक्तियाँ आपको बताना चाहूँगा कि हमें लगता है कि विचारों वाला रावण ज़्यादा शक्तिशाली है, पर उसे ताकत कहाँ से मिलती है? उसे ताकत हमसे ही मिलती है, हमारी सोच से मिलती है। इस किताब में उस सोच, उस सोर्स को कंट्रोल करना सिखाया गया है। कल्पना कीजिए कैसे समाज की, जहां हर इंसान बहुत खुश है और भयमुक्त, चिंता रहित, सहज, सरल और शक्तिशाली जीवन जी रहा है, जहां हर इंसान सही डिसीजन लेते हुए खुशी से अपने काम कर रहा है, जहां हर इंसान के एक दूसरे के साथ, जीव और प्रकृति के साथ भी मधुर रिश्ते हैं। यकीन नहीं हुआ ना, मगर ऐसा समाज जरूर बन सकता है। अब तक शर्शी ने 200 से भी ज्यादा आध्यात्मिक किताबें लिखी हैं, जो कि पेंगुइन, रैंडम हाउस और हे हाउस जैसे लीडिंग पब्लिशर ने पब्लिश की हैं। उन्होंने परम सत्य पर आधारित जीवन के गहन पहलुओं पर 3000 से भी ज्यादा अधिक प्रवचन दिए हैं, और उनके प्रवचनों को सुनकर हजारों लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है। इस बुक को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट बताता है कि सोर्स क्या है, सोर्स को कौन एक्सेस कर सकता है और सोर्स को एक्सेस कैसे किया जा सकता है। दूसरा पार्ट बताता है कि कौन से लॉज हैं जिन्हें हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। बुक में 7 लॉज बताए गए हैं जो कि सोर्स को एक्सेस करने और एक सफल जिंदगी जीने के लिए बहुत जरूरी हैं। लेकिन इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली कर दें और वीडियो को भी इमीडिएटली लाइक कर दें। हमारी वीडियो ज्यादातर आपको डिटेल में ही मिलेगी, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि कभी भी बुक के कंटेंट पे कॉम्प्रोमाइज ना हो, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। द विजडम ऑफ द सोर्स, प्यार, खुशी और शांति की खोज। बहुत पहले एक सूफी सेंट थी जिनका नाम राबिया था। वो अपनी डीप इंसाइट्स और भक्ति के लिए जानी जाती थी। एक शाम वो अपनी झोपड़ी के बाहर कुछ ढूंढ रही थी। सूरज ढल रहा था और अंधेरा होने वाला था। कुछ लोग उनकी झोपड़ी के पास आए। किसी ने पूछा, तुम क्या ढूंढ रही हो, शायद हम तुम्हारी मदद कर सके। राबिया ने कहा, मेरी सुई खो गई है। उनमें से एक ने कहा, सूरज ढल रहा है, अगर तुम हमें बताओगी कि सुई कहाँ गिरी है तो उसे ढूंढना आसान होगा। राबिया ने कहा, असल में वो यहाँ नहीं गिरी, वो मेरे घर में गिरी है। इस बात पर सब हंसने लगे। तब उनमें से एक ने कहा, अगर सुई तुम्हारे घर में गिरी है तो तुम यहाँ रोड पर क्यों ढूंढ रही हो। राबिया ने कहा, घर में लाइट नहीं है, यहाँ पर अब भी थोड़ी लाइट है, तो मैंने यहाँ पर ढूंढने का सोचा। किसी ने कहा, अगर यहाँ पर लाइट है भी तो हम सुई को यहाँ कैसे ढूंढ सकते हैं, अगर वो यहाँ पर गिरी ही नहीं है। अगर तुम लाइट अपने घर ले आओगी तो तुम सुई को ढूंढ पाओगी। राबिया हंसी और फिर कहा, ये कॉमन सेंस बाहर की दुनिया में लगती है, आप कब इसे अपने अंदर की दुनिया में अपनाने वाले हैं। आप लोगों से प्यार की भीख मांगते हैं, आप अपनी सराउंडिंग्स को बदलकर खुशी की आशा करते हैं। अगर चीज आपके अंदर से ही खोई हुई है तो उसे बाहर ढूंढने का मतलब क्या है। लोगों को सोच में छोड़कर राबिया घर वापस आ गई। जब लोग अपने अंदर की खुशी खो देते हैं तब वो मटेरियल दुनिया में खुशी ढूंढने लगते हैं। बाहरी चीजों में सेटिस्फेक्शन इंस्टेंट है, लेकिन टेम्परेरी है। होम कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडस्ट्री इस इंसानी कंडीशन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। वो वैसे प्रोडक्ट्स बेचते हैं जिनकी लोगों को इतनी जरूरत नहीं होती,
लेकिन वो उन्हें कन्विंस करते हैं कि ये उनकी फुलफिलमेंट की सेंस को बढ़ाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप नहाने के लिए साबुन का इस्तेमाल करेंगे तो आप और ज्यादा सुंदर और खुश दिखेंगे। तो हमारी ऐसी आइडेंटिटी ब्रांड्स में इन्वेस्टेड है। खुशी, प्यार और शांति जो कि अंदर की क्वालिटीज हैं, वो बाहरी चीजों में इन्वेस्टेड है। जब आप असली प्रेम, खुशी और शांति को अंदर ढूंढते हैं तो आपको पता चलता है कि सोर्स आपके अंदर है। बाहरी चीजें परछाई जैसी हैं, वो कभी भी परमानेंट फुलफिलमेंट नहीं दे सकती। आपकी बाहरी दुनिया आपके अंदर की दुनिया को ही रिफ्लेक्ट करती है। जब आप जीवन के सोर्स से कनेक्ट होते हैं तब आपका जीवन ऑटोमेटिकली प्रेम, खुशी और शांति से भर जाता है। जब आप ये समझेंगे कि आप अपने एक्शन से असल में क्या ढूंढ रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि आप तीन ही बातें चाहते हैं, प्रेम, खुशी और शांति। ये हर एक इंसान की असली चाहत है। सच्चाई ये है कि प्रेम, खुशी और शांति हर एक की जिंदगी का अल्टीमेट गोल है। तो फिर क्यों लोग असली खुशी से दूर रहते हैं और अपनी पूरी जिंदगी में सफर करते हैं? रीजन सिंपल है, लोग इस बात के लिए क्लियर नहीं है कि वो असल में क्या चीज चाहते हैं और वो उन्हें कहां से मिल सकती है। अपने थॉट्स को देखें, सोर्स को कैसे एक्सेस करें। एक स्टूडेंट ने अपने मास्टर से पूछा, मास्टर प्लीज मुझे एक लाइन में बताओ कि रिलीजन का सार क्या है। मास्टर ने जवाब में कहा, मैं तुम्हें एक वर्ड में बताऊंगा। स्टूडेंट ने कहा, प्लीज इस वर्ड को मुझे दे दो। मास्टर ने कहा, साइलेंस। स्टूडेंट ने पूछा, एक इंसान साइलेंस कैसे रह पाता है? मास्टर ने जवाब दिया, मेडिटेशन करके। स्टूडेंट ने पूछा, हमें कैसे मेडिटेशन करना चाहिए? मास्टर ने हंसकर जवाब दिया, साइलेंस में रहकर। साइलेंस आवाज, बातचीत या थॉट्स का एब्सेंस नहीं है, बल्कि ये जीवन का बेसिक है। ये सारे एक्सप्रेशन का सोर्स है। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं इस अंदर के साइलेंस को एक्सपीरियंस करने के लिए। इंस्ट्रक्शन को सुनने के बाद इसे 5 मिनट के लिए प्रैक्टिस करें। हालांकि मेडिटेशन बहुत सिंपल लग सकती है, ये थॉट्स के बारे में आपकी समझ में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। एक शॉर्ट मेडिटेशन में आप हर एक थॉट को एक नंबर देने की कोशिश करेंगे। मेडिटेशन अभी शुरू ना करें, पहले इंस्ट्रक्शन को समझें। 5 मिनट के लिए टाइमर सेट करें। इस मेडिटेशन में जैसे ही कोई थॉट उठेगा आप उसे एक नंबर दें। नंबर 1 से शुरू करें, अगले थॉट के उठने का इंतजार करें। फिर आप 2 गिनेंगे। कुछ थॉट पॉजिटिव हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव, कुछ काम से रिलेटेड, जबकि दूसरे बोरियत के थॉट हो सकते हैं। जो भी थॉट्स हों उन्हें गिनें, चाहे किसी भी तरीके का थॉट हो। आपको इस मेडिटेशन के बारे में भी थॉट आ सकते हैं, ऐसे थॉट को भी एक नंबर दें और फिर अगले थॉट का इंतजार करें। हो सकता है आपका मन इधर उधर भटक जाए और नंबर गिनने के बजाय थॉट में खो जाए। अगर ऐसा होता है तो जब भी आपको याद आए फिर से 1 से शुरू करें। इस मेडिटेशन को तब तक जारी रखें जब तक कि टाइमर बंद ना हो जाए। अब इस मेडिटेशन को प्रैक्टिस करने के बाद आपके लिए यहाँ 3 सवाल हैं। क्या थॉट्स के बीच कोई अंतर था? क्या ऐसा टाइम था जब थॉट्स नहीं थे? क्या ऐसा टाइम था जब आप किसी थॉट का इंतजार कर रहे थे? हो सकता है कि आपने इनमें से किसी एक सवाल का जवाब हाँ में दिया हो। अगर आपके एक्सपीरियंस में इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो वो स्टेट, वो अवस्था क्या थी? पक्का ही ये मन नहीं था। मन कुछ और नहीं बल्कि थॉट्स हैं। आप अपने मन का इस्तेमाल तभी करते हैं जब आप किसी चीज पर सोचते हैं। जब आपने अपने थॉट्स में गैप को एक्सपीरियंस किया, भले ही वो एक पल के लिए क्यों ना हो, जब आप थॉट का इंतजार कर रहे थे वो अवस्था क्या थी? कुछ लोग इसे खालीपन की अवस्था कह सकते हैं, जबकि कुछ इसे हिजी स्टेट कहते हैं और कुछ इसे शांति कहते हैं। आप इसे जो भी कहें, असल में आपको पूरे ब्रह्मांड के सोर्स की एक झलक मिल रही थी। अगर इस मेडिटेशन में नहीं तो ऐसे टाइम हो सकते हैं जहां कुछ भी ना होने की स्टेट का एक्सपीरियंस हुआ हो। हो सकता है कि किसी दूसरे मेडिटेशन को प्रैक्टिस करते समय हुआ हो। हो सकता है कि ऐसा टाइम आया हो जब आपका मन शांत था और थॉट्स नहीं थे, भले ही वो थोड़े ही टाइम के लिए हो। ये सोर्स के एक्सपीरियंस की झलक है। माइंड से आगे सोर्स क्या है? मिथिला राज्य में ज्ञानी राजा जनक का शासन था। एक रात राजा को एक सपना आया। वो एक लड़ाई लड़ रहे थे और उनकी सेना मार दी गई थी। वो लड़ाई के मैदान से भाग गए। घंटों जंगल में भागते भागते वो थक गए थे और भूखे थे। उन्हें कुछ खाना मिला और वो उसे खाने ही वाले थे कि एक जंगली भालू ने उन पर हमला कर दिया। राजा जनक डर से रो पड़े। वो इसे और झेल नहीं सकते थे और वो जाग गए। उन्होंने खुद को महल में अपने शाही बिस्तर पर आराम से पाया। राजा के लिए सब कुछ एक गहन सवाल बन गया। क्या वो सपना था या क्या ये सपना है? उन्होंने सोचा, क्या ये पॉसिबल है कि मैं असल में लड़ाई से भागने के बाद जंगल में भूखा मर रहा हूँ और सपना देख रहा हूँ कि मैं महल का मजा ले रहा हूँ? हकीकत क्या है? उन्होंने अपने एडवाइजर से एडवाइस ली, लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं दे सका। अंत में जब ऋषि अष्टावक्र को पता चला कि कई पंडितों की सलाह ली जा चुकी है, तो वो राजा को मिले।
उन्होंने सच्चाई का खुलासा किया। हे राजा, कुछ ही भाग्यशाली हैं जो लग्जरीज में रहते हैं और फिर भी जीवन की सच्चाई जानना चाहते हैं। आप राजा भी हैं और ऋषि भी। ये सवाल जिसने आपको झंझोड़ कर रखा है वो शुभ है। कई लोग इस पर हंसेंगे लेकिन कुछ ही सवाल की गहराई को देख पाएंगे। ऋषि ने कहा, ना ये सच्चाई है ना वो सच्चाई है, दोनों सपने हैं, दोनों बदल रहे हैं। आप परमानेंट हैं, आप जो हैं वो हर चीज का सोर्स है, बाकी सब टेम्पररी और लिमिटेड है। इस रियलिटी को एक्सपीरियंस करने से सभी डाउट दूर हो जाते हैं और परमानेंट शांति और आनंद मिलता है। एक इंसान लगातार तीन स्टेट में से किसी एक में होता है, जागृत अवस्था, सपना देखना या गहरी बिना सपने की नींद। जागने के स्टेट में आप अपने सेंस के थ्रू दुनिया को देखते हैं, हालांकि जिस दुनिया को हम अपने रियलिटी के रूप में देखते हैं वो बस आधी रियलिटी है। इस आधी रियलिटी तक सीमित होने का रिस्क है कि हम अपने सेंसेस के थ्रू जो कुछ भी देखते हैं उसके बेसिस पर हम पूरी रियलिटी को जज और रिज्यूम करना शुरू करते हैं। हालांकि सच्चाई ये है कि हमारी सेंस परसेप्शन एक ड्राइव रियलिटी को बनाती है, एक रियलिटी जो सेंस परसेप्शन के बेसिस पर दिमाग प्रोजेक्ट करती है। मन अपने आप में एक ड्राइव एग्जिस्टेंस है, ये विचारों के बंडल से बनता है। लेकिन मन का सोर्स क्या है, थॉट कहां से निकलते हैं? जब हम मन के सोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं तो पूरी सच्चाई सामने आती है। सोर्स वो जिंदा सार है जो दिमाग से परे है, जागने, सपने देखने और गहरी नींद के स्टेट से परे मौजूद है। वो क्या है जो आपकी आंखों को देखने के लायक बनाता है? ऐसी कौन सी लाइट है जो हमें ना सिर्फ लाइट बल्कि अंधेरे को भी देखने के लायक बनाती है? हम इसे सोर्स, कॉन्शियसनेस या भगवान कहते हैं। ये वही प्रिंसिपल है जो सभी पर और हर चीज पर लागू होता है। यही कारण है कि हम जिंदा हैं, जबकि सोचना और करना थॉट्स का मेन एस्पेक्ट है। सोर्स को समझा नहीं जा सकता क्योंकि ये कॉन्सेप्ट से परे है और बुद्धि की समझ से परे है। जब आप सीखते हैं कि सोर्स का एक्सपीरियंस हम में से हर एक के अंदर लगातार चल रहा है, तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि ये एंटिटी इंसानी शरीर के अंदर मौजूद है। और लॉजिकली ये भी माना जा सकता है कि सोर्स केवल शरीर के अंदर नहीं है बल्कि शरीर सोर्स के अंदर मौजूद है। ये सारा एग्जिस्टेंस सोर्स के अंदर हो रहा है। आप कौन नहीं है ये ढूंढना। एक गांव में कपल रहता था। एक दिन अंकल जॉन उनसे मिलने गए, पति काम पर थे। अंकल जॉन पत्नी के पास पहुंचे और कहा, मैं अंकल जॉन हूँ। ये मानते हुए कि वो उनके पति के अंकल होंगे, पत्नी ने अंकल जॉन का स्वागत किया और उन्हें खाना परोसा। फिर अपने पति को फोन करके बताया कि अंकल जॉन आए हैं। उनके पति ने मान लिया कि वो उनकी पत्नी के अंकल हो सकते हैं। घर पहुंचकर वो अंकल जॉन से मिले और सीधे उनसे बातचीत करने लगे। अब तक पत्नी को यकीन हो गया था कि वो उनके पति के अंकल हैं। अंकल जॉन उस परिवार के साथ इतनी आसानी से घुल मिल गए कि किसी ने उनसे सवाल भी नहीं किया। वो उनके साथ इज्जत से पेश आते थे। अंकल जॉन कई दिनों तक उनके घर पर रहे और अपनी डिमांड्स को सामने रखना शुरू कर दिया। एक दिन परेशान होकर आदमी ने अपनी पत्नी से पूछा, तुम्हारे अंकल कब जाने वाले हैं? अगर वो तुम्हारे अंकल नहीं होते तो मैं उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता। उनकी पत्नी चौंक गई, मेरे अंकल? मुझे लगा कि वो तुम्हारे अंकल हैं। इतने दिनों तक मैंने उन्हें कंफर्टेबल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। अब दोनों ने सच देखा। जब तक उन्हें इस बात का एहसास हुआ, अंकल जॉन सीन से गायब हो गए। मैं जो हर एक इंसान इस्तेमाल करता है हमारे इंडिविजुअल सेल्फ को रेफर करने के लिए, वो बिल्कुल अंकल जॉन के जैसा है। ये जब तक आपके अंदर रहता है तब तक आप इसकी साख पर सवाल नहीं उठाते। जिस टाइम आप मैं की ऑथेंटिसिटी पर डाउट करना शुरू करते हैं, ये सोर्स के एक्सपीरियंस को लाना शुरू कर देता है। रेफरेंस पॉइंट, जिसे मैं कहा जाता है, एक गलत नोशन है जो हर पल बदलता रहता है। ये एग्जाम्पल क्लैरिफाई करेगा कि मैं का रेफरेंस कैसे बदलता रहता है। जब मैं वर्कशॉप गया था तब मेरा हाथ घायल हो गया था। जब मैंने देखा कि मेरे हाथ से बहुत खून बह रहा है तो मैं डर गया। फिर मैंने घाव को भरने के लिए डॉक्टर के पास जाने का सोचा। जब कोई कहता है मैं वर्कशॉप गया था, तो मैं शब्द का इस्तेमाल शरीर के लिए किया जा रहा है। आप पूरे दिन में खुद को शरीर मानकर ऐसी कई बातें कहते रहते हैं, मैंने खाना खाया, मैं सीढ़ियां चढ़ गया, या मैं का मतलब शरीर से है। यही सेंटेंस ये भी कहता है, मेरा हाथ घायल हो गया था, मेरा किसको रेफर कर रहा है? अगर शरीर के साथ पहले की पहचान का इस्तेमाल किया जाता है तो कोई कहता है मैं घायल हो गया था। जब आप कहते हैं मेरा हाथ घायल हो गया था, तो आप अपने आप को अपने शरीर का मालिक मानते हैं। जब आप खुद को शरीर से अलग मान लेते हैं तभी आप मेरा हाथ कह सकते हैं। यानी कि मैं के लिए रेफरेंस उसी सेंटेंस में शरीर से शरीर के मालिक के लिए शिफ्ट हो गया। इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि कैसे रेफरेंस पॉइंट गलत है और कैसे बदलता रहता है। मैं, मेरा, इन शब्दों का इस्तेमाल अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग है। डीपली रिफ्लेक्शन करने पर
आप मैगी अनलिमिटेड पहचानों से रूबरू होंगे। मैगी अलग अलग पहचान अलग अलग समय पर अवेयरनेस में आती है, फिर भी डायलूजन के कारण आप हमेशा इसे वही मैं मानते हैं। इसी डायलूजन में खोकर असली में अंधेरे में रहता है। आपके असली नेचर को कभी भी चमकने का अवसर नहीं मिलता, क्योंकि ये इन्हीं झूठी पहचानों से ढक जाता है। अपने आप से पूछना, अब मैं कौन हूँ, झूठे मैं के साथ इस पहचान को तोड़ने का सबसे ताकतवर तरीकों में से एक है। जब आप ये सवाल लगातार पूछते हैं तो ये आपको सोर्स के एक्सपीरियंस की ओर ले जाता है। मैं थॉट रूट थॉट है, पहला थॉट जिससे बाकी सभी थॉट्स आते हैं। जब आप पूछते हैं अब मैं कौन हूँ, बाकी सभी थॉट्स को रेस्ट दे दिया जाता है। बाकी सभी आइडेंटिफाइंग थॉट्स को खत्म करने के बाद ये सवाल अब मैं कौन हूँ सोर्स की स्टिलनेस में भी डिसॉल्व हो जाएगा। यही कारण है कि आप किसी भी स्थिति में मैं की सच्चाई की तलाश करके थॉट से परे सही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। आप इसका यूज तब शुरू कर सकते हैं जब कोई नेगेटिव थॉट जैसे लालच दुख रिजेक्शन आता है। अपने आप से पूछे ये थॉट किसके पास आया है। आप इन नेगेटिव थॉट्स का भी जवाब दे सकते हैं। कौन डर रहा है या कौन ठुकराया हुआ महसूस कर रहा है। आपका जवाब शायद होगा मैं। फिर अगला सवाल पूछें, लेकिन अभी ये मैं कौन है, यहाँ मैं कहाँ है, क्या ये शरीर में है, क्या ये थॉट में है। जब आप इस तरह से इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो थॉट डिसॉल्व हो जाएंगे। जब थॉट मर जाते हैं तो सोर्स बैकग्राउंड में साइलेंट स्टिलनेस के रूप में आता है। कुछ टाइम के बाद एक और थॉट आ सकता है। आप फिर अपने आप से पूछेंगे अब ये थॉट किसके पास आया है। जवाब होगा मेरे पास। एक बार आप फिर पूछेंगे अब मैं कौन हूँ। जब मन गिरता है तो सोर्स का पता चलता है। सोर्स हमेशा मौजूद है, थॉट उसे घेर लेते हैं। मेडिटेशन की प्रैक्टिस से तो सोर्स खुद को एक्सपीरियंस करता है। जब आप अपने आप से पूछते हैं अब मैं कौन हूँ, आप इसका जवाब इंटेलेक्चुअली दे सकते हैं। मैं ये हूँ या मैं ये नहीं हूँ। हालांकि जो कुछ भी आप मेमोरी से लाते हैं वो पास्ट है। आप ये जानने में इंटरेस्ट रखते हैं कि मैं इस समय कौन हूँ, इसलिए आप शब्दों को इस्तेमाल करते हुए मेमोरी से इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। ये सवाल आपको उस मैं की खोज करने के लिए मजबूर करता है जो अभी मौजूद है। आप पहले के नोशन और एक्सपीरियंस से परे जाते हैं कि ये मैं अब किसकी ओर इशारा कर रहा है। जैसे जैसे प्रैक्टिस आगे बढ़ती है, मन इसे रेडीमेड जवाब देने का एक मैकेनिकल रिचुअल बना सकता है। मन की आदत को तोड़ने के लिए शब्दों से भरे क्यूरियोसिटी की फीलिंग में गहराई तक जाने की कोशिश करें, भले ही वो कुछ सेकंड के लिए क्यों ना हो। कौन है जो पूछ रहा है एक और अच्छा सवाल है जो आपको फिक्स्ड जवाबों से परे ले जाता है। जब भी कोई थॉट उठता है तो आपको उस पर समय बिताने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको लगे कि ये थॉट आपके मन में उठ रहा है, वैसे ही थॉट को पास होने दें। उसी टाइम पूछें ये थॉट किसके पास आया है, ये थॉट कहां से उठ रहा है। अगर ये मैं के अंदर उठ रहा है तो ये मैं कौन है। अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो अपने आप से पूछे इसे कौन मुश्किल पा रहा है। अगर जवाब है मुझे ये मुश्किल लग रहा है तो पूछे ये मैं कौन है। इसको बार बार प्रैक्टिस करें। आप ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर आपके मन में कोई थॉट नहीं है तो आपका मन खाली है। ये आपको ये भी विश्वास करने के लिए गुमराह कर जाता है कि अगर आपके मन में कुछ भी नहीं है तो असल में मेडिटेशन जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। मेरे पास कोई थॉट नहीं है ये भी एक थॉट है। जब ये थॉट आए तो एक स्टॉप ले और पूछे कि किसके पास कोई थॉट नहीं है। मैं की नेचर में इंट्रोस्पेक्शन एक मेडिटेशन सेशन तक सीमित नहीं होना चाहिए जिसमें आप किसी जगह पर आंखें बंद करके बैठे हों। ये तब भी जारी रह सकता है जब आप चल रहे हों, काम कर रहे हों या डेली एक्टिविटीज कर रहे हों। ये आपको दिन में कई बार सोच तक पहुंचा देता है। आप सवाल करना जारी रख सकते हैं, कौन दुखी हुआ, कौन खुश हुआ, कौन गुस्सा हुआ। ऐसा हर सवाल आपको वापस सोर्स तक ले जाएगा। लिविंग विद द सोर्स, लॉ ऑफ क्रिएशन, निर्माण का नियम। हम सभी अपने खुद के जीवन के एक्सपीरियंस के क्रिएटर हैं। ये एक यूनिवर्सल लॉ के अनुसार है जिसका नाम है लॉ ऑफ क्रिएशन, जो कहता है फिजिकल प्लेन में इस दुनिया में कुछ भी बनने से पहले ये मेंटल प्लेन में सोर्स से बनाया जाता है। ये क्रिएशन का फंडामेंटल प्रोसेस है। इसे एक्सपीरियंस करने के लिए आपको पहले इसे सोचना चाहिए। आपको ये सोचने की आदत हो सकती है कि जीवन आपके साथ होता है और आप बस जीवन पर रिएक्ट करते हैं। सच तो ये है कि आपके विचार बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। वो आपको आपकी असलियत बताते हैं और आपके जीवन को आकार देते हैं। एक फर्टाइल फील्ड को इमेजिन करें जो जीवन के फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, थॉट्स के बीच की तरह, और अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को पाने के लिए बढ़ते हैं। सोर्स वो फील्ड है जो उन थॉट्स को जीवन देता है। सोर्स के फील्ड में आप जो कुछ भी बोएंगे वो मैनिफेस्ट होगा। गरीबी के थॉट्स बो और आप अपने आप को गरीब पाएंगे। उसी लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप सोर्स की फील्ड में अबंडेंस, सक्सेस, खुशी, प्यार
और हेल्थ के बीच बोते हैं तो आप उन्हें अपने जीवन में एक्सपीरियंस करेंगे। सोर्स जीवन का ओशन है, जहां से सब कुछ निकलता है। सोर्स में जो कुछ भी निकलता है वो बिना किसी बायस के मैनिफेस्ट होता है। कुछ लोगों का मानना है कि उनके बेस्ट इंटेंशंस या बेस्ट एफर्ट के बावजूद उनके साथ हमेशा बुरी चीजें होती हैं। जब टिकट काउंटर पर उनकी बारी होती है तो टिकट बिक जाती हैं। एक बार जब वो थॉट्स की शक्ति को समझ जाते हैं और अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट से बदल देते हैं तो उन्हें पता चलता है कि दुनिया उनका सपोर्ट करने लगती है। इस तरह की सोच के साथ यहाँ तक कि जब वो मूवी थिएटर में टिकट काउंटर के पास पहुंचते हैं और टिकट बिक जाते हैं तो वो मैजिक को एक्सपीरियंस करेंगे, जैसे किसी अजनबी द्वारा टिकट देना जिसने उन्हें खरीदा और पाया कि वो उनका यूज नहीं कर सकता। तो क्या बदला? केवल उनके सोचने का तरीका। हमारे दुखों का मेन कारण हमारे सोचने का तरीका है। जो लोग अपने दिमाग को ट्रेन करने की इम्पोर्टेंस को पहचानते हैं वो वास्तव में न केवल खुद को बल्कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए ट्रेनिंग लेते हैं। लॉ ऑफ क्रिएशन सिर्फ पॉजिटिव सोच के बारे में नहीं है, ये समझने के बारे में है कि आपके थॉट से सब कुछ उगता है जो सोर्स की यूनिवर्सल क्रिएटिव पोटेंशियल से ओरिजिनेट होता है। इसका महत्व ये समझना है कि अगर सोर्स से मेंटल रियम से सब कुछ पहले बनाया गया है तो पॉजिटिव पर्पसफुल इंटेंशन से सब कुछ बनना जरूरी है। लॉ ऑफ डायरेक्शन, दिशा का नियम। फेमस भारतीय क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी को एक एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा था जिसमें उन्होंने 21 साल की उम्र में एक आंख खो दी थी। हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने लगभग एक आंख का इस्तेमाल खो दिया है, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो फिर से क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि उनका खेल खत्म हो गया है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें सर्जरी के एक महीने बाद नेट्स में वापस पाया। एक आंख का लॉस विजुअल पर्सपेक्टिव और डेप्थ में जजमेंट के डिसीजन में लॉस की ओर ले जाती है। फिर भी वो अपनी बल्लेबाजी को सही करने की अपनी चुनी हुई दिशा में कायम रहे। उन्होंने लंबे समय तक प्रैक्टिस की। उन्होंने कहा, पहले तो मैं गेंदबाजी की लंबाई बिल्कुल भी पिक नहीं कर सका, फिर मैं एक तरह के समझौते पर पहुंच गया, लेकिन मुझे अपने हैंडीकैप के साथ पूरी तरह सहमत होने का दावा करने में 5 साल लग गए। उनके जुनून और लगातार इरादे ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापस ला दिया, जहां वो भारत के सबसे सफल क्रिकेट कप्तानों में से एक बन गए। लॉ ऑफ क्रिएशन के बारे में जानने के तुरंत बाद ज्यादातर लोग ये सवाल पूछते हैं, वो ये है, अगर चीजों को रियलिटी में लाने से पहले थॉट्स के दायरे में बनाया जाता है तो क्या जो भी थॉट्स मैं सोचता हूँ वो रियलिटी बन जाता है? हर एक थॉट जो होता है वो किसी न किसी रूप में जीवन को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन हर एक थॉट अपने आप मैनिफेस्ट नहीं होता। सिर्फ वही थॉट अपने आप को फिजिकल रियलिटी में बदलते हैं जो कॉन्शियसली डायरेक्ट होते हैं और उनके साथ अवेयरनेस और पैशन दोनों जुड़े होते हैं। यही कारण है कि लॉ ऑफ डायरेक्शन को समझना जरूरी है, जो कहता है जब आप अपने थॉट्स को कॉन्शियसली और पैशनेटली डायरेक्ट करते हैं तो वो मैनिफेस्ट होते हैं। इस लॉ को 2 एस्पेक्ट में बांटा जाता है। पहला ये है कि आपको उन थॉट्स के प्रति कॉन्शियस रहना चाहिए जो सोर्स से क्रिएट होते हैं। उन्हें अपनी फिजिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट करने के लिए आपको उन्हें अपने दिमाग में अवेयरनेस के साथ रखना चाहिए और उन्हें क्लैरिटी के साथ डायरेक्ट करना चाहिए। लॉ का दूसरा एस्पेक्ट फीलिंग की ताकत से डील करता है। सिर्फ वही विचार मैनिफेस्ट होते हैं जो आपके पैशन और इंटेंशन से पावर्ड होते हैं। हम सभी ने कुछ हद तक फ्यूचर के बारे में सपना देखा है। शायद आप शुरू करते हैं जैसा कि कई लोग करते हैं, मुझे ये चाहिए, जब ऐसा कुछ होगा तो मैं ऐसा करूंगा, फिर आगे ये होगा और फिर वो। एक कारण है कि इस तरह के खोए हुए थॉट जड़ नहीं लेते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं। हो सकता है कि आप अनजाने में अपनी मर्जी के खिलाफ काम कर रहे हों। अगर आप सोचते हैं कि आपकी इच्छाएं बिल्कुल भी मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं, तो आपको ये चेक करने की जरूरत है कि क्या आपके विचार एक दूसरे को न्यूट्रलाइज तो नहीं कर रहे हैं। एक इंसान सोचता है, मैं चाहता हूं कि घर में शांति हो। लॉ ऑफ क्रिएशन थॉट को मैनिफेस्टेशन में सेट करता है। उनका दिमाग उनके जीवन में ऐसी चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है जो उन्हें और ज्यादा शांतिपूर्ण बना देंगी। लेकिन अगले ही घंटे वो सोचते हैं, इस घर में कभी भी शांति पॉसिबल नहीं होगी। मेरी पत्नी इतनी मुश्किल इंसान है, उसे जानना इम्पॉसिबल है, वो कभी नहीं बदलेगी। उनके दूसरे विचार ने उस इम्पैक्ट को बेअसर कर दिया जो उनके पहले थॉट से उनकी सिचुएशन पर पड़ता। हालांकि वो शांति चाहते हैं, लेकिन उनके विचारों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। वो नहीं जानते कि एक नेगेटिव थॉट कितना महंगा होगा और वो इन सर्कमस्टांसेस में अपने पॉजिटिव थॉट के फल का आनंद नहीं ले पाएंगे। इससे क्लियरली सोचना जरूरी हो जाता है। अगर आप एक ऐसा घर चाहते हैं जो परमानेंटली पीसफुल हो, तो आप इसे तब तक पा सकते हैं जब तक कि कोई दूसरा थॉट इसमें इंटरफेयर ना करे। अपने विचारों से अवेयर होना और उन्हें प्यार, खुशी, हेल्थ, पैसा और शांति से भरे जीवन की ओर डायरेक्ट करना जरूरी है। जिस टाइम आप एक क्लियर थॉट सोचते हैं, आप उस थॉट को पूरा करने के लिए हर जरूरी चीज को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं।
तब आपकी फीलिंग की शक्ति इस प्रोसेस को तेज करने के लिए मेन सोर्स का काम करती है, क्योंकि लॉ ऑफ क्रिएशन इनविजिबल तरीके से काम करता है। इंसान अपने विचारों को पैशन की ताकत देना भूल जाता है। वो शिकायत करता है कि उनका जो इरादा था वो कभी पूरा नहीं होता। एक बार कुछ सोचना और फिर किसी और चीज की ओर बढ़ना काफी नहीं है। थॉट को अपनी अवेयरनेस में रखें। मजबूत इरादे के साथ आपको जोश से विश्वास करना चाहिए। आपको पैशन के साथ विश्वास करना चाहिए कि आप जो चाहते हैं वो मैनिफेस्ट होगा। लॉ ऑफ फोकस, फोकस का नियम। एक अमीर व्यापारी ने अपनी बिजनेस की कमाई से सालों बाद कई हीरे खरीदे। वो हमेशा सोचता था, मैंने इन हीरों को पाने के लिए कितनी मेहनत की है, मेरे हीरे चोरी नहीं होने चाहिए, कोई चोर मेरी दौलत पर नजर ना रखे। उसे अपने कीमती हीरों की सुरक्षा की चिंता थी। इस व्यापारी का एक बेटा था जिसने कई जगह ट्रैवल किया था। उन्होंने अपने ट्रैवल के दौरान कई यूनिक, रेयर और प्राइसलेस पत्थर जमा किए थे। लड़का भगवान का धन्यवाद करता और प्रार्थना करता, प्रभु मैंने इन सभी पत्थरों को कई जगह ट्रैवल करके जमा किया है, मुझे इनमें से हर एक पसंद है, ये हमेशा मेरे पास ही रहने चाहिए। उसी शहर में एक चोर था। पिछले कई दिनों से वो एक ही थॉट से चिपका हुआ था, मैंने कई छोटी चोरी की है, अब एक बड़ा हाथ मारने का समय है ताकि मैं बड़े बदमाशों की लीग में शामिल हो सकूं और अपने चोरों के ग्रुप में इज्जत हासिल कर सकूं। लोकल पुलिस इंस्पेक्टर सोचता था, मैंने कई छोटे बदमाशों को पकड़ लिया है, मुझे अब एक बड़े अपराधी को पकड़ना है और चोरी के एक बड़े मामले को सुलझाना है ताकि मेरी प्रमोशन हो सके, तब मैं हीरो बनूंगा और शहर की चर्चा बनूंगा। व्यापारी की पत्नी की इच्छा थी, मुझे अपने माता पिता से मिले हुए काफी समय हो गया, मुझे कुछ दिनों के लिए उनसे मिलना चाहिए। इस सिचुएशन में आइए अब देखते हैं कि उनके थॉट्स ने कैसे फंक्शन किया। चोर ने जल्द ही शहर के अमीर इलाकों की तलाशी शुरू कर दी। उसे व्यापारी की हवेली अच्छी लगी। प्लान के अकॉर्डिंग वो एक रात उसकी हवेली में घुस गया। उस रात चोर ने व्यापारी की हवेली में चोरी की। उसने तिजोरी तोड़ दी और व्यापारी के गहने, हीरे और पैसे लूट लिए। यह आश्चर्य की बात थी कि चोर ने व्यापारी के बेटे के एक भी पत्थर को नहीं छुआ। चोरी के बाद व्यापारी सदमे में था। उसने जीवन के लिए अपने उत्साह को खो दिया। उसका सबसे बड़ा डर सच हो गया था। इस डकैती का मामला उस इंस्पेक्टर को सौंपा गया था जिसने एक बड़े अपराधी को पकड़ने का सपना देखा था। जल्द ही पुलिस इंस्पेक्टर ने चोर को पकड़ लिया और खुद को प्रमोशन दिलवाया जिसका उसने सपना देखा था। इस बीच व्यापारी को कोर्ट में समय बिताना पड़ा और मामले को खत्म करने के लिए पुलिस से संपर्क करना पड़ा। इस वजह से, क्योंकि वो घर पे कम रहता था, उसने अपनी पत्नी को उसके माता पिता से मिलने भेज दिया। इससे ये पता चलता है कि उन सबकी प्रेयर उनके विश के अकॉर्डिंग मैनिफेस्ट हुई। आइए अब कहानी के सीक्रेट पर एक नजर डालते हैं। कहानी में समझने वाली बात यह है कि व्यापारी को उस पर ध्यान लगाना चाहिए जो वो चाहता है, ना कि उस पर ध्यान लगाना चाहिए जो वो नहीं चाहता। लॉ ऑफ फोकस कहता है कि आप जो चाहते हैं उस पर ध्यान लगाइए, ना कि उस पर जो आप नहीं चाहते, तो इसे करना शुरू करें। लॉ ऑफ रेजोनेंस, अनुनाद का नियम। एक दिन सारे एम्प्लॉयज ऑफिस पहुंचे और उन्होंने एंट्रेंस गेट पर एक बड़ी एडवाइस लगी हुई देखी जिसमें लिखा था, जिस इंसान ने इस कंपनी में आपकी ग्रोथ में बाधा डाली है उसकी कल डेथ हो गई है। हम आपको ऑफिस के एक पार्ट में दी जा रही अंतिम संस्कार की प्रेयर में शामिल होने के लिए इनवाइट करते हैं। वो सभी दुखी थे क्योंकि उनके कलीग की डेथ हो गई थी, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें ये जानने की क्यूरियोसिटी हुई कि वो इंसान कौन है जिसने उनकी ग्रोथ में बाधा डाली थी। ऑफिस के आसपास लोगों की भीड़ जमा होने लगी तो लोगों का एक्साइटमेंट और बढ़ गया। हर कोई सोच रहा था, कौन है ये शख्स जो मेरी ग्रोथ में रुकावट था। एक के बाद एक एम्प्लॉयज ये देखने के लिए लाइन में लगे कि ये कौन है। जिसने भी अंदर देखा वो दंग रह गया, मानो किसी ने उनकी आत्मा की गहराइयों को छुआ हो। ऑफिस के अंदर एक शीशा था, जिस भी इंसान ने अंदर देखा तो उन्हें अपना ही रिफ्लेक्शन दिखा और इससे वो चौंक गए। वो इसे मजाक समझकर नाराज हो गए, लेकिन फिर शीशे के पास रखे मैसेज को पढ़कर वो शांत हो गए। उसमें लिखा था, सिर्फ एक ही इंसान है जो ग्रोथ की लिमिट सेट करने के काबिल है, वो आप ही हैं। आप अकेले इंसान हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। आप अकेले ही अपनी खुशी और अपनी सफलता को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आप अकेले हैं जो अपनी मदद कर सकते हैं। जब आप बदलते हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। ये लॉ ऑफ रेजोनेंस के अकॉर्डिंग है जिसमें कहा गया है, दुनिया वैसी नहीं है जैसी आपको दिखती है, दुनिया वैसी है जैसे आप दुनिया के बारे में विचार रखते हैं। लॉ ऑफ अबंडेंस, बहुतायत का नियम। एक बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करने वाले 5 भाई थे। उनके पिता एक फ्यूल स्टेशन अटेंडेंट थे जिनका काम स्टेशन पर आने वाली गाड़ियों में फ्यूल भरना था। पिता गरीब जीवन जीते थे। वो हमेशा कहते थे, मैं इतना गरीब क्यों हूँ, मेरे दुख का अंत कब होगा। उनकी मौत बहुत दुखद हुई थी। 5 लड़कों को फ्यूल स्टेशन पर नौकरी ऑफर की गई ताकि वो अपने परिवार को सपोर्ट कर सके। उन्हें बहुत ही कम सैलरी दी जाती थी। 5 भाइयों में से हर एक के साथ ऐसा हुआ।
बड़े भाई को हमेशा लगता था कि उनके साथ सब कुछ बुरा हुआ है और वो जीवन भर गरीब ही रहा। दूसरे भाई ने थोड़ा अलग सोचा। उसने अपने आप से कहा, एक दिन मेरे पास एक कार होगी, लेकिन स्ट्रगल कब खत्म होगा? और वो थोड़े सक्सेसफुल बने और कई सालों के स्ट्रगल के बाद एक कार के मालिक होने में सफल रहे। तीसरे भाई का ध्यान सिर्फ एक कार के मालिक होने से ज्यादा था। वो एक फ्यूल स्टेशन का मालिक बनना चाहता था। इसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन ये ठीक है, उसने खुद से कहना जारी रखा। कुछ ही सालों के अंदर उनके पास न केवल कई कारें थी बल्कि एक फ्यूल स्टेशन भी था। चौथा भाई सबसे एम्बिशियस था। उनका ध्यान स्मूथ सक्सेस पर नहीं था। उनके थॉट थे, ये फ्यूल कहीं से आ रहा होगा, मैं उस सभी फ्यूल के सोर्स का मालिक बनना चाहता हूँ। अपनी गहरी इच्छा के कारण वो ऑयल रिफाइनरी के मालिक बन गए। पांचवा भाई जो सबसे बुद्धिमान था, उनका ध्यान मटेरियल पोजीशन पर नहीं था। उन्होंने इस सब के सोर्स की खोज की। उनके थॉट थे, जीवन का सोर्स क्या है, कुछ लोग गरीब क्यों होते हैं और दूसरे क्यों नहीं होते, इसका कोई ना कोई कारण रहा होगा। मेरे पिता ने कभी क्या कोई सबक नहीं सीखा, मैं खुश रहना सीखना चाहता हूँ। ये भाई पहले फ्यूल स्टेशन पर और फिर दूसरी जगह पर कई बुद्धिमान लोगों से मिला। उन्होंने एक बुद्धिमान इंसान के साथ काम करना शुरू कर दिया और खुद एक महान टीचर बन गए। उनके पास जीवन के सभी सबसे अमीर लोगों तक पहुंच थी। उन्होंने जीवन के सीक्रेट को समझने के बाद अपने पैसे और ज्ञान को दूसरों की सेवा में इस्तेमाल करना चुना। लॉ ऑफ अबंडेंस सिंपली कहता है, हर किसी के लिए हर चीज की अबंडेंस है। ध्यान दें कि सेंटेंस में कहीं भी कोई भी एक्सेप्शंस नहीं रखी गई हैं। आपके जीवन में और सभी के जीवन में प्यार, शांति, खुशी, हेल्थ और पैसों की अबंडेंस हो। आपके और सभी की जिंदगी में पैसे, टाइम और खुशी का नेचुरल फ्लो होता है। लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस, प्रभाव का नियम। एक आदमी ने बाजार से एक छोटा सा बछड़ा खरीदा। उसने उसे अपने कंधों पर रखा और अपने गांव वापस चलने लगा। तीन ठगों ने उसे देखा और उस जानवर को चोरी करने का प्लान बनाया। पहला आदमी पास आया और बोला, तुम कुत्ते को अपने कंधों पर क्यों ले जा रहे हो? ये कुत्ता नहीं है, ये एक बछड़ा है, आदमी ने कहा। कब से तुमने कुत्ते को बछड़ा कहना शुरू कर दिया? उस आदमी ने कहा और चला गया। कुछ ही मिनटों में दूसरा इंसान उनके पास आया जिसने उससे यही बात की। इस बार उस आदमी के मन में एक डाउट उठा और उसने बछड़े को नीचे रख दिया। फिर तीसरा आदमी साथ आया और उसके कुत्ते के बारे में पूछा। उस आदमी ने अपने बछड़े को देखा और फिर उस आदमी की तरफ देखा और चिल्लाया, हाँ मैंने अपने घर की रखवाली के लिए कुत्ता खरीदा है, क्या आपको इससे कोई दिक्कत है? वो लोग चुपके से मुस्कुराए और चले गए। वो आदमी सोचने लगा, क्या सच में मुझे बछड़े की जगह कुत्ता खरीदने में धोखा दिया गया है? अगर मेरे गांव वालों को इसके बारे में पता चल गया तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। वो यही सोचता रहा और बछड़े को जाने दिया और चुपचाप अपने घर की ओर चल दिया। वो तीन आदमी उस पर हंसे और बछड़े को लेकर चले गए। चोरों ने उस आदमी के मन में डाउट का बीज बो दिया, ये बछड़ा नहीं है बल्कि कुत्ता है, और उसे ये विचार तीन अलग अलग लोगों से मिला। इन शब्दों ने उसके थॉट को रीइन्फोर्स किया। वो इमेजिन करने लगा कि जब वो बछड़े के बजाय कुत्ते के साथ घर जाएगा तो गांव वाले उस पर हंसेंगे। थॉट एक्शन में बदल गए और उसने बछड़े को जाने दिया, ये कन्विंस होते हुए कि ये कुत्ता है। हमारी जिंदगी में ठीक ऐसा ही होता है। मीडिया, टीचर्स, दोस्त, सभी हमें अपने थॉट्स दे रहे हैं। थॉट केवल दिए नहीं जा रहे हैं बल्कि हम पर इस तरह से थोपे गए हैं कि हमें उसकी रियलिटी के बारे में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वो एक पॉपुलर रिलायबल सोर्स से आते हैं। इसकी वजह से हम सब मानते हैं कि वो सच हैं। इसलिए हमारे शब्द और हमारे एक्शन अंधविश्वास में सब कुछ फॉलो करते हैं। क्या आपकी जिंदगी दूसरों के थॉट से इन्फ्लुएंस हो सकती है? क्या दूसरों की पसंद आपको प्रभावित कर सकती है? लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस के पास इन सभी सवालों का जवाब है। इसमें कहा गया है, एक इंसान पर दूसरों के विचारों का असर तब तक नहीं होता जब तक वो उसे होने नहीं देता। लॉ ऑफ इंटीग्रिटी, सत्य निष्ठा का नियम। पहले छह लॉज सातवें के बिना अधूरे हैं। ये लॉ दूसरों को इंटीग्रेट करता है। अपने थॉट्स और फीलिंग के साथ अपने वर्ड्स और एक्शन को अलाइन करने के साथ इंटीग्रिटी आती है। आपकी फीलिंग्स और थॉट्स आपके वर्ड्स और एक्शन में रिफ्लेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक इंसान को चोरी करने के लिए पनिशमेंट दी जाएगी। वो केवल यह कहकर पनिशमेंट से बच नहीं सकता कि वो पनिश नहीं होना चाहता। पनिशमेंट उसकी चोरी का रिजल्ट है। एक्शंस के रिजल्ट को बदलने के लिए जो आप कर रहे हैं उसे बदलना होगा, एक्शन को बदलना होगा। आप जो कर रहे हैं उसे बदलने के लिए आपके थॉट्स और फीलिंग्स को बदलना होगा। लॉ ऑफ इंटीग्रिटी थॉट के बाकी सभी लॉज को जोड़ती है। ये लॉ कहता है, अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को पाने के लिए अपनी फीलिंग्स, थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन को अलाइन करें। तो ये थे द सोर्स बुक से 7 लॉज, जिन्हें समझने के बाद आई एम श्योर आपको बहुत सारी डीप इनसाइट मिली होंगी, लेकिन इन्हें अपनी लाइफ में अपनाना ना भूलें, तभी लाइफ पूरी तरह से बदल पाएगी। इसके अलावा भी इस बुक में और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज ला सकती हैं। अब हम तेज ज्ञान के फाउंडेशन के बारे में और डिटेल में जानते हैं। खुशी की भावना आपके विचारों पर निर्भर करती है।
सोचें, अगर आपके विचारों में आनंद ही आनंद है तो आप अपने जीवन में भी आनंद पाएंगे। तेज ज्ञान फाउंडेशन मानव समाज में ऐसे ही शुभ विचारों की क्रांति लाने के लिए स्थापित की गई एक संस्था है। तेज ज्ञान फाउंडेशन एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। तकरीबन 20 सालों से कार्यरत इस संस्था का मुख्य लक्ष्य है उत्तम विकसित समाज का निर्माण करना, यानी कि ऐसा समाज जहां दुनिया का हर इंसान आनंदित है। वो अपनी उच्चतम संभावनाओं को खोलते हुए, सही डिसीजन लेते हुए, दूसरे जीव और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते हुए आनंद से जीवन जी रहे हैं। इस लक्ष्य को पाने के लिए इस संस्था में जीवन के पांचों भाग जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक विकास पर काम होता है। शारीरिक स्तर पर काम करने के लिए होलिस्टिक हेल्थ कैंप्स और मानसिक विकास के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हर उम्र के लोग शामिल होते हैं। दुनिया में शांति के लिए भी इस संस्था द्वारा बहुत से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जो सर श्री की टीचिंग्स पर ही आधारित होते हैं। इस संस्था की स्थापना सर श्री द्वारा 1998 में की गई। तेज ज्ञान फाउंडेशन का बेसिक एलिमेंट यानी कि समझ है। सब मान्यताओं का खेल है, सब अपने आप में कंप्लीट हैं। समझ आने से ही दुख का कारण बनने वाली सभी गलत मान्यताएं, धारणाएं टूट सकती हैं। तेज ज्ञान फाउंडेशन में हर स्तर के लोगों के लिए बड़े पैमाने पर गर्भ संस्कार से लेकर मृत्यु उपरांत जीवन तक के सभी विषयों पर मार्गदर्शन मिलता है। अब तक 1,00,000 से भी ज्यादा अधिक लोगों ने महाआसमानी परम ज्ञान शिविर का लाभ लिया है। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा हर साल महाआसमानी शिविर आयोजित किया जाता है। ये कैंप संपूर्ण रूप से सर श्री की शिक्षाओं पर आधारित है। इस कैंप का उद्देश्य है विश्व का हर इंसान मैं कौन हूँ इस सवाल का जवाब जानकर परम आनंद में स्थापित हो जाए। पुणे शहर के भारी क्षेत्र में पहाड़ों और निसर्ग के असीम सौंदर्य के बीच बसे हुए मनन आश्रम पर ये कैंप ऑर्गेनाइज किया जाता है। तेज ज्ञान का आनंद आप महाआसमानी परम ज्ञान शिविर में भाग लेकर ही कर सकते हैं। लॉकडाउन के बाद से ये शिविर ऑनलाइन भी लिया जाता है। तेज ज्ञान फाउंडेशन की विशेषता है सिस्टम फॉर विजडम यानी कि ज्ञान प्रदान करने की अनोखी कार्य प्रणाली, जहाँ एक निश्चित कार्य पद्धति द्वारा विशिष्ट क्रम से धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए सहजता से ज्ञान दिया जाता है। अगर आप भी अपना जीवन तेज ज्ञान के प्रकाश में आनंदमय और सफल बनाना चाहते हैं तो महाआसमानी शिविर में अवश्य भाग लें। आप ये किताब पढ़ सकते हैं या इससे बेहतर ईबुक के दाम पर एक डिजिटल कोर्स में भाग ले सकते हैं जहां आपको किताब मुफ्त मिलेगी। एक डिजिटल कोर्स का संचालन तेज ज्ञान ग्लोबल फाउंडेशन के प्रशिक्षकों द्वारा सर श्री की शिक्षाओं के आधार पर किया जाता है। अगर आप इस 5 दिवसीय कोर्स में भाग लेकर हैप्पी थॉट्स की शक्ति का उपयोग करने के साथ साथ सोर्स के 7 नियमों में महारत हासिल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप आप इस किताब के सभी लेसन्स को अपनी लाइफ में अपनाकर अपनी लाइफ को और भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे। आप इस बुक को ऑर्डर करके और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जहां हम अलग अलग बुक की नॉलेज को डेली शेयर करते हैं। अगर आप हमसे कोलैबोरेशन या प्रमोशन में हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। अगर आपको लगता है वीडियो दूसरों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।